नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से भारत नए आयामों को छू रहा है। तमाम आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं, जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में क्या रही अहम बातें, साथ ही एविएशन सेक्टर किस तरह से तेज गति से उड़ान भर रहा है और क्या है 2047 तक का लक्ष्य, ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा कारोबार जगत की तमाम खबरों और मार्केट के अप एंड डाउन पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इकोनॉमी टुडे की, और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप लाइन्स पर। इटली में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक संपन्न। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने लिया भाग। 3C कोविड कॉन्फ्लिक्ट और क्लाइमेट चेंज के दौर में मजबूत साझेदारी को बताया जरूरी। भारत की योजना 2047 तक अपने हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 300 करने की है। तो 2047 तक हवाई अड्डों की संख्या होगी दोगुनी और 300 करने की महत्वाकांक्षा है, और ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य यात्री यातायात में होने वाली 8 गुना बढ़ोतरी से प्रेरित हैं। वर्तमान में भारत में 138 हवाई अड्डों से परिचालन होता है। एशियाई विकास बैंक ने 2024 से 25 में भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% पर बरकरार रखा। ADB औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत विकास और बेहतर मॉनसून के कारण कृषि में उछाल की उम्मीद जताई। और आज के दिन निचले स्तर पर बाजार खुले हैं और तमाम उम्मीदें यहां पर जताई जा रही है। और आइए अब शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इटली के रेजियो कैलाब्रिया के विला सैन जियोवानी में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया। इस बैठक ने वैश्विक व्यापार संबंधों एवं आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। उन्होंने GVC मैपिंग के लिए G20 जेनरिक फ्रेमवर्क, 14 सदस्यीय IPEF एसोसिएशन, ट्राइलेटरल सप्लाई चेन रिजिलियंस इनिशिएटिव और भारत EU TTC जैसे प्लेटफॉर्मों के तहत सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखला के निर्माण हेतु विभिन्न देशों के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, आर्थिक गलियारा सहित अमेरिका, GCC देशों और यूरोपीय संघ जैसे रणनीतिक साझेदारों के साथ भारत की पहल पर चर्चा की और बाजार, वितरण प्रणाली एवं लॉजिस्टिक्स के साथ एकीकृत निर्बाध आपूर्ति श्रृंखला के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में भारत के घरेलू उपायों पर प्रकाश डाला। भारत की योजना 2047 तक अपने हवाई अड्डों की संख्या को दोगुना से भी अधिक बढ़ाकर 300 करने की है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य यात्री यातायात में होने वाली 8 गुना बढ़ोतरी से प्रेरित है। वर्तमान में भारत में 138 हवाई अड्डों से परिचालन होता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने एक व्यापक विस्तार योजना की रूपरेखा तैयार की है। इसमें मौजूदा हवाई पट्टियों को पूरी तरह से परिचालन वाले हवाई अड्डों में अपग्रेड करना और जमीनी स्तर से नए हवाई अड्डों का निर्माण करना शामिल है। कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड ही हैज सेड बिफोर आल्सो हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक एंड ही हैज बीन कमिटेड सिंस डे 1 दैट एविएशन शुड गो टू रीच 240 करोड़ पीपल ऑफ दिस कंट्री। एवरीवन शुड बी एबल टू ट्रैवल and with that commitment he has launched the Udaan scheme, and through that we have built new airports. In 2014 there were only 70 airports in the country. Now we have expanded to 157 airports, and like you have said, in the next 20-25 years we want to double this number of airports, and there is good scope also. और आइए अब बाजार पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आए हैं। तो ऐसे में अगर गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लाल निशान के साथ ये कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, 24,635.50। और आप देख सकते हैं कि -29 यहाँ पर गिरावट उसमें नजर आ रही है। तो ये गिफ्ट निफ्टी की बात है। इसके अलावा सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो ओपनिंग आप देख सकते हैं यहाँ भी जो बाजार है वो गिरावट के साथ खुले हैं और कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 80,571.63 यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो निकलकर सामने आए हैं, -143.16 ये यहाँ पर दिखा रहा है और लाल निशान के साथ ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा निफ्टी 50
ओपनिंग की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 24,576.25 और यहाँ पर मामूली गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है, -36.75। निफ्ट 50 का ये जो आंकड़ा है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। टॉप गेनर्स में आप देख सकते हैं LTIM, अपोलो हॉस्पिटल्स, निफी और TCS और साथ ही साथ विप्रो। तो आप देख सकते हैं कि क्या है यहाँ पर हरे निशान के साथ ये टॉप गेनर्स हैं जो अपनी बढ़त की ओर कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा टॉप लूजर्स की अगर बात करें, एशियन पेंट, आइकन मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, अल्ट्रा सीमेंट को, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये टॉप लूजर्स हैं जो गिरावट के साथ, मामूली गिरावट के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। और आइए अब बात करते हैं इकोनॉमी टुडे में आज के फोकस की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को जब अंतरिम बजट पेश किया था उस वक्त उन्होंने विश्वास जताया था कि देश की जीडीपी 7.3% रहेगी। सरकार ने पूंजीगत व्यय को 11.1% बढ़ा दिया था जिसका सकारात्मक प्रभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है और अब दुनिया की तमाम एजेंसियां भारत की तेज जीडीपी का पूर्वानुमान जारी कर रही हैं। इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, एशियाई विकास बैंक सभी भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज रफ्तार से प्रभावित हैं। ताजा आंकड़ा ADB का है जिसने चालू वित्त वर्ष में जीडीपी 7% रहने का अनुमान जारी किया है। भारत की जीडीपी की रफ्तार दुनिया को पीछे छोड़ रही है। अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्थाएं बता रही हैं कि देश की जीडीपी तेज गति से आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये रफ्तार सिर्फ चालू वित्त वर्ष में ही बनी रहेगी, बल्कि आने वाले 2-3 वित्तीय वर्ष में भी भारत की आर्थिक गति तेज बनी रहेगी और दमदार प्रदर्शन करेगी। मैं सरप्राइज्ड इसलिए नहीं हूं क्योंकि भारत की जीडीपी के जितने आंकड़े पिछले 2-1 साल से आने हैं उसके भी पहले से, उसमें आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट लाइन ये है कि हमेशा जो एस्टिमेट किया जा रहा है उससे ऊपर ही जा रहा है। IMF के बाद अब ADB ने भी अपने अनुमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर्थिक विकास की दर 7% की जताई है। औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि, निर्माण क्षेत्र, विशेष तौर पर हाउसिंग की मजबूत मांग को आधार मानकर ये पूर्वानुमान ADB ने जारी किया है। भारत सरकार ने कई सारे ठोस कदम उठाए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है जिसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं उसमें बहुत, जिसे कहते हैं सकारात्मक वृद्धि हुई है। उसी तरह से सब्सिडी या बहुत सारे ऐसे खर्चे जिनकी ज़रूरत नहीं थी या कम थी उन पर अंकुश लगाया गया है। राज्य स्तर में बहुत सारे चेंजेस आए हैं जो अच्छे हैं, जैसे कि पावर सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं, जैसे सेक्टर रिफॉर्म्स हुए हैं बहुत सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, इन सभी का जो केंद्र जो इफेक्ट है वो धीरे 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 जब उनका दायरा बढ़ता गया है और उसी का ही रिजल्ट नतीजा अभी आपको दिख रहा है कि जीडीपी के जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ADB ने अच्छे मानसून को देखते हुए ये अनुमान जताया है कि भारतीय कृषि क्षेत्र भी ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वहीं निवेश को लेकर भी सकारात्मक रेटिंग दी जा रही है। इन्हें आधार मानकर ADB ने 2025-26 के लिए 7.2% GDP का पूर्वानुमान जताया है। वहीं IMF ने अपने अनुमान में भारतीय आर्थिक वृद्धि दर को दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। 2024 के लिए इसकी रफ्तार 7.3% रहेगी। इसके अलावा विश्व बैंक ने जो पूर्वानुमान दिया है उसके तहत 6.6% GDP की रफ्तार रह सकती है। वहीं आने वाले 3 वित्तीय वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की गति औसतन 6.7% की दर से बढ़ेगी, जबकि RBI के मुताबिक देश की आर्थिक गति 7.2 रह सकती है। इसी तरह से बॉस्टन कंसल्टेंटिंग ग्रुप ने भी भारत में वेल्थ क्रिएशन को लेकर कहा है कि एशिया का 30% साल 2028 तक भारत में क्रिएट होगा, जिसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इंडिया की बड़ी भूमिका होगी। देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वहीं एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने 2024-25 में भारत के विकास पूर्वानुमान को 7% पर बरकरार रखा है। ADB औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत विकास और बेहतर मॉनसून के कारण कृषि में उछाल की उन्होंने उम्मीद जताई है। ADB ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में 2025-26 में भारत की अर्थव्यवस्था 7.2% की तेज गति से बढ़ने का अनुमान लगाया है। ADB की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि में सुधार और सार्वजनिक निवेश के कारण निवेश मांग मजबूत होने की उम्मीद है।
और आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो भारत का कद है वो लगातार दुनिया में बढ़ता जा रहा है और अर्थव्यवस्था नए नए आयाम स्थापित करती हुई नजर आ रही है। प्रोफेसर पीके घोष जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्र विभाग से और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के से हैं। सर, बहुत स्वागत आपका। और इसी के साथ जो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि अगर हम इस अर्थव्यवस्था को देखें और इसमें गति देखें और जो तमाम रेटिंग एजेंसियां जो अपने अपने आंकड़े पेश कर रही हैं, आप क्या मानते हैं कि किन किन सेक्टर्स में सबसे बड़ा योगदान रहा है जो अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, हम लोग अच्छा तो बात सिर्फ एशियाई विकास बैंक की कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये जो ग्रोथ फोरकास्ट इंडिया के बारे में, ये केवल एशिया विकास बैंक ने नहीं बल्कि विश्व बैंक ने भी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी, जिन सभी संस्थाओं ने भी बात की, और हमारे स्वयं भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपने स्थान में इसको और मजबूती के प्रदान की है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने तो केवल इस वर्ष की बात नहीं की है, बल्कि ये भी कहा है कि 2025 में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, जापान को पीछे छोड़कर, 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। एक बहुत ही बड़ा संकेत है, केवल हम एक वर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, आगामी कई वर्षों की बात भी कर रहे हैं जी। और ये गौर करने की बात है कि जहां इसी बीच जो विश्व की समृद्धि दर है वो हमसे आधे से ही बहुत कम है, जो फोरकास्टिंग है वो केवल 3.2% की फोरकास्टिंग है, और हम अगर उसको 7% से भी अगर अधिक ले जा रहे हैं लगातार, तो एक बहुत पॉजिटिव संकेत है। मुझे याद पड़ता है कि हम लोग 1980 के दशक तक, यानी स्वतंत्रता के पश्चात 3 दशकों तक, हम लोग भारत के लिए एक बहुत ही खराब सा शब्द यूज करते थे, जिसको कहते हैं कि निम्न वृद्धि दर, अर्थात तथाकथित हिंदू वृद्धि दर 3.5%। अब आज हम उसके दुगने से अधिक हो रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नव हिंदू वृद्धि दर, और जो फोरकास्टिंग है आगामी वर्ष अवधि के लिए, वो उसे मैं कहता हूँ जिससे सुपर हिंदू ग्रोथ रेट, यानी हम 3 गुनी रफ्तार से बढ़ पाएंगे जो हिंदू वृद्धि दर की थी, अर्थात हम 2 अंकों की आर्थिक समृद्धि दर प्राप्त कर पाएंगे। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है सेक्टर वाइज, हमारे सेक्टर वाइज में योगदान मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बहुत बड़ा है, माइनिंग सेक्टर का बहुत बड़ा है, जो हाल के समय में है, और हमने से बहुत सारे कदम उठाए हैं। लेकिन अभी हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, कुछ चुनौतियां वैश्विक हैं जो सबके लिए हैं, अर्थात अभी भी पूरा विश्व, जब हम कहते हैं 3C की चुनौतियां आज तक भी है, यानी कोविड की चुनौती है, क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, और कॉन्फ्लिक्ट की चुनौती है, यानी युद्ध की चुनौतियां, ये विश्व के स्तर पर एक समृद्धि को धक्का देने वाली स्थिति है, लेकिन भारत इससे बहुत प्रबल रूप से उभर सका है, ये एक बहुत सकारात्मक चर्चा है। लेकिन हमें जो अपने प्रयास करने पड़ेंगे अभी कई क्षेत्रों में, उसमें सबसे बड़ा प्रयास हमें वस्तुओं के निर्यात को तीव्र करने की आवश्यकता है, ताकि हम 7 को लगातार बनाए रखें और 10 के करीब पहुंच सकें। उसके लिए हम जो एक शब्द आता है ग्लोबल वैल्यू चेन, उसमें हम अभी बहुत कमजोर हैं ग्लोबल वैल्यू चेन में, यानी वैश्विक जो मूल्य श्रृंखला है उसमें भारत को अभी तीव्रता से काम करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये जो आने वाला बजट है कुछ ही दिनों में, उसमें शायद हम लोग इस बिंदु पर भारत सरकार की चर्चा होगी जो भारत के ग्रोथ के भविष्य की दिशा को अवश्य निर्धारित कर पाएगी। हमने देखा है कि कृषि पर हमेशा से बजट में बहुत ज्यादा फोकस किया गया है, और अब की बार जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें भी इस बात को माना गया है कि कृषि, क्योंकि मौसम का भी जो अभी जो प्रकोप है वो साफ तौर पर कृषि के पक्ष में नजर आ रहा है, तो ऐसे में आप क्या मानते हैं कि कृषि कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर, बड़ा क्षेत्र यहाँ पर साबित होता हुआ नजर आएगा जो एक नई गति प्रदान करता हुआ दिखेगा? देखिए, कृषि तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि आधार है अर्थव्यवस्था का, भले ही कृषि का योगदान हमारे पूरे जीडीपी में सबसे नीचे है, सबसे बड़ा सर्विस सेक्टर है, लेकिन सर्विस सेक्टर जो है वो ग्रोथ तो बहुत तेजी से कर रहा है, उसका एक्सपोर्ट भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक बात हम जरूर कहना चाहेंगे कि सेवा क्षेत्र रोजगार को तीव्र गति से बढ़ाने में सहायक नहीं होता, जबकि रोजगार को तीव्र गति बढ़ाने में सहायक होता है निर्माण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र, और उद्योग क्षेत्र के लिए हमारा कृषि एक आधार होता है, हमारा कच्चा माल, हमारा सारा हिस्सा वहीं से आता है। बिल्कुल, इससे कृषि का योगदान तो सर्वोपरि है, और जो हमने एक टारगेट रखा हुआ है किसानों की आय को दोगुना करना, हम उस दिशा में भी काम कर रहे हैं, और कृषि को हम केवल हम कृषि क्षेत्र के रूप में मान रहे, बल्कि कृषि और ग्रामीण उद्योग के रूप में अगर देखें तो ये पूरा जो रूरल क्षेत्र सेक्टर हमारा, उसको हमें बहुत आवश्यकता है कि जो इंडस्ट्री 4.0 की चर्चा पूरे विश्व में हो रही है उसके साथ हम अपने कृषि क्षेत्र को अच्छी तरह से और लिंक कर पाए, उसके लिए हमने बहुत सारे कार्यक्रम शुरू भी किए हैं। भले ही ये मौसम आधारित कृषि क्षेत्र होता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर हमारे क्षेत्र में है, और हमने इसमें एडेप्टेशन प्रोग्राम, मिटिगेशन प्रोग्राम,
कृषि क्षेत्र में नाबार्ड के अग्रणी भूमिका के रूप में हमने की है, जो निश्चित रूप से कृषि को और अधिक सशक्त आधार। बिल्कुल, और ये लग भी रहा है क्योंकि हमने तमाम यहाँ पर देखा है कि जो पैरामीटर्स रखे गए हैं और जो कृषि है अब की बार उस पर बहुत ज़्यादा फोकस भी सरकार का नज़र आ रहा है, क्योंकि साफ तौर पर वहाँ भी तमाम ऐसे इनोवेशंस हैं, तमाम ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो नई गति यहाँ पर अर्थव्यवस्था को देते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पर वक्त हो गया है, हम जल्द हाजिर होते हैं और वापस आकर इसी पर चर्चा जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम लगातार अपने आज के कार्यक्रम में जो फोकस है हमारा वो है आज जो तमाम जो रेटिंग एजेंसियां हैं वो किस तरह से भारत के पक्ष में आपकी बार हम देख रहे हैं कि उसमें जो GDP ग्रोथ का जो आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में तमाम इसी पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा आपकी बार देखने को मिल रहा है कि जो इजाफा है वो नजर आ रहा है। ऐसे में PK घोष जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PK घोष जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि निवेश की अगर हम बात करें तो हमने देखा है कि जो दुनिया की नजर भारत पर है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट ग्लोबली अगर हम देखें तो उभर कर सामने आ रहा है, तो ऐसे में जो निवेश है वो भी बढ़ा है, तो अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, क्योंकि साफ तौर पर निवेश का जब हम देख रहे हैं कि ज्यादा उसमें इजाफा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी अपने आप में एक बड़े आंकड़े पेश कर रहा है। देखिए, जो हमारे निवेश की दर है वो अभी भी लगभग 35-33% के आसपास है, तो अगर हमें अपने आर्थिक समृद्धि को और तीव्र करना है तो ये आवश्यक है कि हम शीघ्र ही इस निवेश दर को कम से कम GDP के 36% तक ले जाएं। और इस निवेश दर को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने जो एक स्कीम अनाउंस किया है, इंसेंटिव की PLI स्कीम, की प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो 2020 से स्टार्ट की है, उसका ये योगदान रहा हमारे निवेश दर में वृद्धि की संभावनाएं। जी, दूसरी बात ये कि हमने ये विश्व को ये संकेत दिया हुआ है कि भारत में जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें हमारी पॉलिटिकल स्थिति बहुत मजबूत और स्थायित्व वाली है, और हमने लगभग हर फ्रंट पर, और जो निवेश के लिए हमें अच्छी बात ये है कि जो वो आज सबसे नीचे हमारा 1% के आसपास भी आ गया है, जो विदेशी निवेशकों को करने के लिए बहुत है। और इसके लिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आज 600 बिलियन के ऊपर रिकॉर्ड हिस्से पहुंच चुका है, और जो निवेशकों के लिए एक बहुत आकर्षक संकेतक होता है वो होता है कैपिटल मार्केट। तो हमारा जो सेंसेक्स जो पैरामीटर है हमारे कैपिटल मार्केट का, निफ्टी उसके साथ है, उन्होंने भी आज रिकॉर्ड ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और जो छोटे निवेशक, जो घरेलू निवेशक है, अगर मैं उनकी बात करूं तो ये बड़ा सुखद संकेत है कि जो आम व्यक्ति है जो छोटी छोटी बचतें करता है वो भी निवेश क्षेत्र में उतरे हैं। और आज जो एक बहुत अच्छा निवेश का क्षेत्र है म्यूचुअल फंड, उसमें आज की संख्या में 19 करोड़ के आसपास के खाता धारक लोग हैं। बिल्कुल, 55 लाख करोड़ से अधिक का निवेश केवल म्यूचुअल फंड सेक्टर में हुआ। आप समझ सकते हैं कि ये पूरा निवेश, बिल्कुल, ये बहुत बड़े आंकड़े हैं, और साफ तौर पर ये आंकड़े जो हम देख रहे हैं ये अपने आप में एक नई गाथा, एक नई कहानी लिख रहे हैं। साफ तौर पर भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको और ज्यादा पंख मिले और ज्यादा वो तेज गति से उड़ान भर सके, तो ये आंकड़े लगातार हम देख रहे हैं कि और ज्यादा आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर PK घोष जी हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए, और दर्शकों तक ये तमाम अहम जो फैक्टर्स आपने गिनाए हैं ये पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब इकोनॉमी टुडे में आगे बढ़ते हैं। देशवासियों को आगामी बजट 2024 का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में टारगेटेड स्कीम्स के जरिए महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को बढ़ाने के बारे में चर्चाएं प्रमुख तौर पर हो रही हैं। आइए जानते हैं कि आने वाले बजट से महिलाओं को क्या उम्मीदें हैं। महाविद्यालय की मांग करना चाहूंगी कि जिस जिस क्षेत्र के अंदर बहनों का, मेरी छोटी बहनों का आना पॉसिबल नहीं होता इस वजह से उनकी एजुकेशन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ रहा है, तो एक इस तरह के कॉलेजेस की मैं मांग करूंगी कि वहां पे इस बजट के अंदर हो। लोन मिले कि हम जो बिजनेस करना चाहते हैं कि हम आराम से करें और हम अपने पाँव पे खुद से आराम से खड़े हो जाएं। जो घर पे खाना बना के बेचती है उन्हें भी अच्छे से लोन मिले, क्योंकि लोन जब मिलेगा तो वो आराम से आटे
नमक दाल खरीद के अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और इन कामों को लोग लगातार बनाए रखना, यही मेरी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से उम्मीद है। पहले महिला थी कि अपने लिए 10 रुपये भी नहीं कमा सकती थी, आज ना तो वो अपने भाई से ना पति से किसी के अधीन नहीं, वो स्वतः है आज इस तरीके बन चुकी है कि वो अपना अपने बच्चों का घर संभाल सकती है। यहाँ से मुझे कुछ काम मिले हैं, कुछ मैं आगे चल के कर रही हूँ, तो सर इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारी पति हूँ कि महिलाओं को इस आने वाले बजट में ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर उठाने और ज़्यादा से ज़्यादा अग्रणी होने का कार्य और सशक्त महिलाओं को सशक्त बनाने का कार्य करें। तो देखा आपने कि महिलाओं को कितनी उम्मीदें हैं आपकी बार के इस बजट से। साफ तौर पर इससे अर्थव्यवस्था को तो गति मिलेगी, साथ ही साथ जो लोग हैं उनका जीवन भी आगे सुगम हो पाए इसके लिए सरकार ये बजट लेकर सामने आएगी और उससे जुड़ी भी लगातार जो तमाम अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों के साथ, तो आप इन खबरों को देखिए, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। 31 जुलाई 2024 को ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख है। आयकर विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अभी हर दिन 13 लाख रिटर्न फाइल किए जा रहे हैं। 14 जुलाई तक लगभग 2.7 करोड़ ITR दाखिल हुए हैं, जो पिछले साल की समान अवधि के दौरान दाखिल रिटर्न की तुलना में 13% ज्यादा है। सोयाबीन डी ऑयल्ड केक DOC के निर्यात में उछाल के कारण जून में भारत का DOC निर्यात 20% बढ़कर 3,35,196 टन हो गया। पिछले साल इसी महीने में निर्यात 2,80,001 टन का हुआ था। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया SEA ने DOC के निर्यात आंकड़े जारी किए हैं। नीति आयोग आज इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को सशक्त बनाना शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी करेगा। ये रिपोर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के दायरे एवं चुनौतियों सहित उसके व्यापक विश्लेषण का परिणाम है। ये रिपोर्ट देश को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग केंद्र बनने की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। देश की दिग्गज फार्मा कंपनी ग्लेन फार्मा की दवाई जेनेरिक टोपिरामेट कैप्सूल जल्द ही अमेरिका के बाजार में उपलब्ध होगा। अमेरिका के हेल्थ रेगुलेटर USFDA ने इस दवा को मंजूरी दी है। टोपिरामेट कैप्सूल मिर्गी जैसे गंभीर दौरे के इलाज में रामबाण साबित होती है। ग्लेन फार्मा ने शेयर बाजार को अपनी रेगुलेटरी फाइलिंग में ही जानकारी दी है। सनोफी हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने भारत में अपने ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर GCC के विस्तार की घोषणा की है। इसमें हैदराबाद ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को एक्सपेंड करने के लिए अगले 6 वर्षों में 400 मिलियन यूरो का निवेश करने की योजना है। इसमें से अगले साल तक 100 मिलियन यूरो का निवेश किया जाएगा। प्लेटिनम और दूसरी धातुओं को मिलाकर बनाई गई चीजों की आड़ में कम आयात शुल्क चुकाकर गोल्ड इम्पोर्ट किया जा रहा है। इस अलॉय प्रोडक्ट्स को गलाकर सोना निकाला जा रहा है और उसे डिस्काउंट पर बेचा जा रहा है। इस संबंध में ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्र लिखा है कि जिन चीजों में 5% से अधिक गोल्ड मिला हो उनके लिए गोल्ड कंटेंट के हिसाब से अलग इम्पोर्ट ड्यूटी तय की जाए। गेमिंग कंपनी नजारा टेक्नोलॉजीज की 2 सब्सिडियरी को 1,120 करोड़ रुपए के GST डिमांड का नोटिस मिला है। ओपन प्ले टेक को GST डिपार्टमेंट की तरफ से 846 करोड़ रुपए का शोकोज नोटिस मिला है। ये नोटिस 2017 से 2023 की अवधि के लिए मिला है, जबकि हलाप्ले टेक को 274 करोड़ रुपए के GST बकाया की सूचना मिली है। AI वेरिएबल मार्केट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके 2024 में $62.7 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। ये उछाल हेल्थ, फिटनेस और पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी में उपभोक्ताओं की बढ़ती दिलचस्पी से प्रेरित है। अब Realme ने अपने अपकमिंग स्मार्ट वॉच S2 के साथ AI इकोसिस्टम का विस्तार किया है। इसे AI से संचालित विशिष्ट स्मार्ट पर्सनल असिस्टेंट के रूप में डिजाइन किया गया है। ये नई स्मार्ट वॉच 30 जुलाई को लॉन्च होगी। गूगल AI के साथ भारतीय स्टार्टअप परिवेश को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और 10,000 स्टार्टअप को AI सक्षम बनाएगी। गूगल ने कहा कि वो भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर मेईती स्टार्टअप हब के साथ काम कर रही है, ताकि भारत की 10,000 स्टार्टअप को जनरेटिव AI में सक्षम बनाया जा सके। प्राइम डेटाबेस द्वारा संकलित आंकड़ों से पता चलता है कि भारत की कंपनियों ने जनवरी से जून के दौरान ओवरसीज बॉन्डों से 32,619 करोड़ रुपए जुटाए हैं, जो 2023 में इसके जरिए जुटाई गई कुल रकम से अधिक है।
2023 में कंपनियों ने ओवरसीज बॉन्डों से 31,218 करोड़ रुपए जुटाए थे और 2022 में 45,237 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाई थी।